आपकी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो देखिए शायद आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से कि वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाना। हेलो दोस्तों, तो दिस इज फ्यूचर मी, सॉरी पीछे बैकग्राउंड से, और सॉरी जो भी आपको लग रहा है लाइटिंग शायद अच्छी ना हो क्योंकि इस रूम में बहुत ज्यादा धूप है। सो मैं आई हूँ यहाँ पे एडिट करते हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देने के लिए। ये जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ भी चैलेंज नहीं किया है। मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर मैं किसी से मेकअप करवाऊंगी क्योंकि मेरा चेहरा कभी किसी ने नहीं टच किया है मेकअप करने के लिए। मैंने मेरी शादी में भी खुद मेकअप किया था जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सॉरी दोबारा सेम चीज़ बोलने के लिए। सो ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं सिर्फ एक मज़े के लिए बना रहे हैं हम लोग, उनके बारे में कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, ना ही उनका लोकेशन, ना ही उनका नाम, ना ही उनके प्लेस का नाम, नथिंग अबाउट हर, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। इट्स जस्ट यू नो फन एक्सपेरिमेंट कि आपका मेकअप कोई कैसे करता है। पर ये तो है कि अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आप ऐसे बंदे के पास मेकअप कराने के लिए चले जाते हो तो काफ़ी स्केरी है मैन, आपको ऐसे बना सकते हैं वो। सो अगर आपको किसी खास ओकेजन पर जाना है अपने ट्रस्टवर्दी बंदों के पास ही जाएँ मेकअप करवाने के लिए। जब मैं पार्टी पर जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ मैं नए प्रोडक्ट्स भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि वो कैसे लगेंगे, कैसी फिनिशिंग होगी। सो ऐसे अजनबी बंदे से मेकअप करवाना काफी स्केरी है। दूसरी बात, एक्चुअली ये जो चैलेंज है वो है वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट से अपना काम करवाना। सो जब मैंने ये वीडियो देखी, आई थिंक मंथ पहले देखी थी मैंने, एक यूके की यूट्यूबर की, उनकी वीडियो का लिंक मैं छोड़ दूंगी अगर मुझे मिलेगा तो। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली उनकी मम्मी की जो रिएक्शन थी। उनकी मम्मी पंजाबी बोल रही थी, आई डोंट नो अगर वो इंडियन थे या पाकिस्तान से थे, पर उनकी रिएक्शन देखकर मुझे बहुत मजा आया कि यार मुझे भी ये करना चाहिए। मैंने कोशिश की ढूंढने की मेरे आसपास जीरो रिव्यू या वन रिव्यू वाले, वन स्टार वाले मेकअप आर्टिस्ट, पर मुझे मिले नहीं। अगर मुझे मिला 2.5 स्टार्स का बंदा, वो था सिफोरा। That's so amazing. Sephora, मुझे नहीं लगता कि 2.5 डिजर्व करता है, बट मे बी उनकी सर्विस की वजह से या किसी ने रूड बिहेव किया होगा उसकी वजह से उन्होंने उसको 2.5 दिए थे। तो फिर मैंने, हमारी यहाँ पे एक लोकल साइट है जिसपे लोग एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, kijiji.ca बोलते हैं उसको, उस पर मैंने सर्च किया तो मुझे ये लेडी मिल गई। इनकी जो एडवर्टाइजमेंट थी उसको देख के मुझे लगा कि शायद ये वही हो सकती है जो मैं चाहती हूँ। तो मैंने उनका फ़ोन नंबर लेके उनको टेक्स्ट किया कि मुझे मेकअप करवाना है पार्टी के लिए, तो मैं कब आऊँ। शी सेड कि जब भी तुम्हें आना है तुम आ सकते हो। उन्होंने मुझे टाइम दे दिया और मैंने पूछा कि प्राइस कितना है, प्लीज़ मुझे अपने प्राइसेस बता दीजिए। शी सेड $50 एंड देन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम थोड़ा बार्गेन करो क्योंकि उसे थोड़ा ऑथेंटिक लगेगा। मैंने उनको कहा कि कैन यू डू बेटर ऑन द प्राइस प्लीज़। शी सेड $25 $50 से 25 में वो ऐसे आ गई, 0 to 100 हो गया। और मुझे लगा कि रियली, सो मुझे लगा कि यही है वो जहाँ पे मुझे मेकअप करवाने के लिए जाना है क्योंकि उन्होंने 50% डिस्काउंट मुझे एक ही बार में दे दिया। सो हम उनके पास चले गए। आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय करेंगे। बातों को कम करते हुए जल्दी से वीडियो देख ले, पर प्लीज़ किसी भी बात का बुरा मत मनाना, हम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ बनाएं। अगर आप मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हम और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारे YouTube चैनल पे। और कमेंट बार में ज़रूर बताना कि आपको मेरे इस मेकअप लुक में जो होने वाली है उसमें सबसे अच्छा क्या लगा है और सबसे बुरा क्या लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर ले, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, फ्यूचर में जा रही हूँ, बाय। ताकि मैं पता चले कि खरीदना भी हम तो फाउंडेशन ला के स्पंज ना करता ना।
Ta-da! I'm sexy and I know it. सो इस वीडियो को एडिट करते समय मैंने देखा है कि ना ही उन्होंने मेरे हाइलाइटर लगाया, ना ही कोई ब्राउन्जर, ना ही कोई कॉन्टोर, ना ही कंसीलर, और ना ही उन्होंने मेरे फेस के मेकअप को सेट किया। बड़ी फुर्ती मारी, झटपट कर दिया। पहली बार किया ना मेकअप। ओके दोस्तों, मेरे पति और हिम्मत उस तरफ है, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेरा खूबसूरत मेकअप देख के। हिम्मत मुझे कह रहा था कि तू मेकअप क्यों करा रही है किसी और से। डैडी यू रेडी? डैडी रेडी। ठीक है। कितना बढ़िया। हां
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲਓ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਅੱਛੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇੰਡ ਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ओके दोस्तों मेरी फ्रेंड से पूछते कि उससे कैसा लगा है अगर उससे भी पता ना चला तो आई एम वेरी एंग्री विद हर और कोई आके डाली ना जाए हेलो ओए रिएक्ट कर किद्दा लगा मैं क्या जे ने चंगा रिएक्ट किया ना तेरे मुक्का पैना में क्या आई ब्रो तेरी लिपस्टिक तो लगी मैनू पैसे दे मैं टेढ़ा मेढा कर दी जे तू ये पाया तो देख ली पर यार मैं गुस्सा नहीं हूँ उससे बिल्कुल भी क्योंकि नो रिव्यूज है उसके यार तो इट्स ओके बहुत खुश हूँ मैं चली पार्टी से संभाला फोन पर इस गल तू ना खुश है पति कहंदे कि बिल्कुल तेरे वाली का कीता है मेरी दोस्त बोल रही है कि तुम्हारा मेकअप ऐसे है कि तुम रामलीला में जा रहे हो की बनने लई पीशम हेलो सतिकार गाइस लुक एट माय मेकअप एंड माय हस्बैंड सेड कि बहुत अच्छा है जे दस्यो दुनिया नु भी एनकल लाके देखो और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो दोस्त ये चैलेंज करते हैं वर्स्ट मेकअप रिव्यू बंदे से मेकअप करवा के तो फिर वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते पर मैंने बहुत सारे दोस्तों का चेहरा दिखाया जो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई उसके घर पे मेहमान भी आके रखे थे उनको भी दिखाया उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मेकअप है क्योंकि मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे पर जब उन्हें पता चला कि मैंने कहीं और से करवाया तो उन्होंने बता दिया कि सॉरी अच्छा नहीं पर मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही मेकअप लगा के थोड़ा पब्लिक में जाऊंगी देखते हैं कि लोग मुझे देख के हंसते हैं हम लोग डरेंगे नहीं हमें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है आई एम वेरी एक्साइटेड और आई लैशेज मैंने उन्हें कहा कि मुझे आई लैशेज लगा दो बट शी सेड कि मेरे पास लैशेज हैं जो उनके पास लैशेज थे वो बहुत ज़्यादा पतली थी लाइक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखने वाली मैंने कहा कि मुझे फुल ऑन ड्रामेटिक मेकअप चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि पूरा मस्त मेकअप हो मेरा तो शी सेड कि मेरे पास ऐसी लैशेज नहीं है तो मैंने कहा कि इट्स ओके मैं लैशेज लेके आई हूँ मैं एक्चुअली घर से लेके गई थी लैशेज वो वाली जो काफ़ी ड्रामेटिक हैं मैंने उनको कहा कि खुद से मेकअप करना कितना ज़्यादा मुश्किल है शी सेड या अपने आप से नहीं होता है दूसरे से होता है एंड उन्होंने कहा कि वो 7 ईयर्स से मेकअप कर रही उन्होंने किसी पाकिस्तानी लेडी से सीखा था और उन्होंने कोई पढ़ाई भी की है मेकअप की एंड शी सेड जिस लेडी से मैंने मेकअप करना सीखा है वो मॉडल्स एंड पाकिस्तानी एक्टर्स का मेकअप करती हैं
तो शी सेड दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ. मैं अच्छा खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जिस जगह पे मेकअप करवाने के लिए गए थे और वो ऐसा ही होने वाला था क्योंकि उनके कोई रिव्यूज़ ही नहीं थे. मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई सोशल मीडिया नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि आपका वर्क कैसा है. शी सेड कि है मेरा सोशल मीडिया. तो मैंने कहा कि ठीक है दे दो फिर मुझे, मैं फॉलो कर लेती हूँ आपको ताकि मैं आपको सीख पाऊँ. गाइज आई एम फीलिंग सो एम्पावर्ड, सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग, ready to conquer this world. I can do any freaking thing in this world now. Anyone. Chukas. Udda milo na minu. Chukas. Shabash mere cheete. Oye, dosto to hum log ja rahe hain chakki cheese. Bachcho ko uthane ke liye ja rahi hu main. Kidnapper. So yeah, is bahut hi mast look ko leke main ja rahi hu chakki cheese. Dekhte hain ki बच्चे मुझसे हैरान परेशान दुखी तो नहीं होते. मुझे लगता है कि मैं स्टिक ऑन करूं इन आईब्रोज के साथ. क्या लग रही हूं मैं, माय डेट. सो हैप्पी. मैं लेने जा रही हूं अपने लिए कॉफी. और मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गई, गगन. गगन बेचारी बहुत एक्साइटेड होगी और वो बोली मैं बहुत नर्वस हूँ. पता नहीं, उन्हें मैं बताना चाह रही थी कि मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरा शक्ल ऐसे हमेशा नहीं होती है. सो पता नहीं उन्हें समझ आया या नहीं. पर गगन थैंक यू हाय बोलने में. ओके अब हम ऑर्डर करेंगे कॉफ़ी. ओके सो मुझे बहुत भूख लग रही है पर हम मेरे हस्बैंड के लिए विंग्स खाते हैं. पर पहले मैं जा रही हूँ कॉफ़ी लेने के लिए अपने लिए. वो सामने स्टारबक्स है तो दे आर प्लेइंग इनसाइड. सो मैं जाती हूँ स्टारबक्स वाले लोगों का रिएक्शन लेती हूँ. कुछ तो रिएक्ट करे कोई दुनिया. Grande size soy latte. Soy latte? For sure. Is that all for today? Yes. Can you put half shot of espresso, like half caffeine? Yeah, for sure. And do you mind answering me one question? Yeah, for sure. Do you like my makeup? I do. Yeah. Yes? Yes. The eyelashes kind of, I like how like vibrant it is, but like the... Sorry for... No, it's being question. Did you do a YouTube video? Like what was it? YouTube? Yeah, like what was makeup? The video? Yeah. Oh, this video is like going to worst reviewed makeup contest. Okay. And like. Lol. देख रही थी बहुत ही अजीब तरीके से. जब मैंने उसकी तरफ देखा उसने चेहरा उल्टा दिया. उसे लगा कि यार किया इसे क्या ज़रूरत है इतना मेकअप मेकअप पहनने की. पर उसे क्या पता मैं पार्टी में जाने वाली हूँ, यू नो चिल्ड्रन. सो या आई थिंक दैट्स इट. अब हमें टाइम आ गया रिमूव करने का क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इसे और नहीं लगा सकती हूँ. Yeah, then we'll find out something. So we're done. Daddy, what's your reviews now? Daddy's not interested. Let's go. So yeah, that's it. मुझे लगता है कि आपने enjoy किया होगा इस video को. मुझे बहुत मजा आया. Experiment किया मैंने कुछ नया. या अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत 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 सारे लाइक्स करें. अगर बहुत सारे लाइक्स आएंगे तो हम किसी और आर्टिस्ट के पास भी जाएंगे और इस बार पर हम नेक्स्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी सी वीडियो बनाएंगे. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें. अगर आप ऐसा मेकअप सीखना चाहते हैं तो मैं इस पर एक ट्यूटोरियल खुद से भी बना दूँगी ताकि आपको आसान हो जाए. कमेंट बार में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हम ज़रूर से और वीडियोस बनाएंगे. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल नहीं भूलें यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. आप मेकअप ऐसा करें
ये कैसा करें या और या बाय ले लूं. ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਨਿਥਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ